दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आशीष फिर एक नई वीडियो पर आया हूं और आप लोगों को मैं आज ऊर्जा नगरी चचाई के बारे में, एक मंदिर है श्री दुर्गा मंदिर, आज मैं वहां आपको लेकर चलूंगा। उससे पहले ये डैम देखिए, बहुत सुंदर वातावरण, हवा भी बहुत ठंडा है यहां और पानी की गहराई तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डैम में चारों तरफ दिखा देता हूँ जल्दी से। इसके बाद फिर चलेंगे श्री दुर्गा मंदिर, वहाँ कई सारी प्रतिमाएं हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। पहले ये डैम देख लीजिए, ये ऊर्जा नगरी चचाई जहाँ अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र बना हुआ है और ये सामने श्री दुर्गा मंदिर है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि दुर्गा मंदिर और अन्य सारी प्रतिमाएं किस तरह हैं। तो आइए, गेट पर पहुँच गए हैं, चलिए फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैं आपका दोस्त आशीष, मैं आपको श्री दुर्गा मंदिर चचाई यहाँ लेके आया हूँ और दर्शन करवा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ कई सारी प्रतिमाएं हैं और आपको सबसे पहले दुर्गा मंदिर दिखाता हूँ मैं। ये सामने श्री दुर्गा जी का मंदिर है और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर मूर्ति, अलौकिक छवि है माँ दुर्गा की। और चारों तरफ ये मंदिर कम से कम 5-6 एकड़ में इसका प्रांगण है। ये देखिए चारों तरफ अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर हैं और ये मेन रोड में है, चचाई मार्ग में, चचाई अनूपपुर मार्ग, और अनूपपुर ज़िले के चचाई में जहां अमरकंटक दाब विद्युत केंद्र बना हुआ है उसी में ये मंदिर परिसर बनाया गया है। इसका प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है, आप मित्रों एक बार अवश्य आइए और देखिए, बहुत अलौकिक छवि है माँ दुर्गा की। और उनके प्रांगण में कई सारे देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। तो ये है मुख्य मंदिर माँ दुर्गा की। मेरा उद्देश्य आप लोगों को एक हर एक नए जगह पर नए देवी देवताओं, और ज़रूरी नहीं है कोई भी अच्छी जगह है, अगर मुझे समझ में आता है कि इसे दिखाना चाहिए आप लोगों को तो मैं दिखाता हूँ। ये शनि मंदिर, हनुमान मंदिर के पास शनि मंदिर, श्री दुर्गा मंदिर के प्रांगण में ही बना हुआ है। और शिव मंदिर जस्ट शनि मंदिर के सामने है। भाइयों एक बार अवश्य पधारें और यहाँ दर्शन का आनंद लें, बहुत अच्छी जगह है। चलिए मैं आपको और अन्य मंदिरों के बारे में बताता हूँ, ले चलता हूँ। तो दुर्गा मंदिर के पीछे ये बना हुआ है, चलिए पहुँच जाते हैं, देखते हैं। यज्ञशाला भी बना हुआ है, बहुत अच्छा। ये पहुंच गए राधा कृष्ण मंदिर,
दुर्गा मंदिर के पीछे बना हुआ है, और ये अलग मंदिर है, ये भी बहुत सुंदर मंदिर है। हालांकि मैं अभी मंदिर खुलने ही वाला है, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, और तो लेट हो जाने के कारण मुझे वेट करना पड़ा 2-3 घंटे। इसके बाद 4 बजे, 4:30 के आसपास शाम को फिर मंदिर खुलता है, तो अभी जस्ट मंदिर खुल ही रहे हैं, और खुलते ही मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया है, तो थोड़ा सा अभी ये है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता रहता हूँ। फिर अगले मंदिर की तरफ चलता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ फूल पेड़ पौधे अच्छा बनाया है, ये पहुँच गए हैं हम नेक्स्ट मंदिर में। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, राम जानकी मंदिर, और गेट अभी हल्के बस खोले गए हैं, तो कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से दिखा सकूँ। और इधर अन्य सारे कई मंदिर हैं, तो थोड़ा सा मौसम भी वो हो रहा है, लगता है बारिश होगा, तो जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ और अन्य मंदिर के बारे में। ये सामने जो मंदिर है, चलिए चलते हैं, इसमें चल रहे हैं, और ये है भगवान परशुराम का मंदिर। तो चलिए दोस्तों, ये परशुराम जी का दर्शन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मंदिर की तरफ, ये सामने जो मंदिर दिखाई देती है वहाँ ले चलता हूँ मैं आपको, तो चलिए चलते हैं। मेरा उद्देश्य ऐसा रहता है कि आप घर बैठे YouTube में कुछ ऐसे जगहों की तस्वीरें और ऐसे जगहों पर ना गए हों और उसके बारे में भी मैं जानना चाहते हों, तो मैं दिखा सकूं। सामने चित्रगुप्त जी का मंदिर है, और ये देखिए, शायद आपको स्पष्ट पता चला होगा। तो मैं क्या कह रहा था कि YouTube के माध्यम से अगर आपको इस तरह का मैं दिखा पा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि एक तो मेरा घूमना हो जाता है और मैं दूसरों को दिखा सकता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरह के जगह हैं। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है, और अच्छा भी लगता है मुझे नए जगह पर जाने के लिए। ये है साईं मंदिर, साईं बाबा का मंदिर है ये, तो ये साईं बाबा मंदिर है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और फिर एक नए जगह पर मिलते हैं नए वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।